में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में इस समस्या कहते हैं, अंतिम दिन में सूर्य चंद्रमा और आकाश के शक्तियां विचलित हो जाएंगे। जब वे देखेंगे तब जान जाना कि अंत आ गया है। इन्हीं प्राकृतिक दृश्यों को समझकर उनके चिन्हों को परखने का शक्ति और क्षमता हमें अपने आप में बनाकर रखना है। इसलिए इस समस्या पेड़ पौधों से सीख लेने के लिए हमें समझा रहे हैं। पेड़ पौधों को या हवा का रूट को देख के हम गर्मी ठंडी और बारिश का पता लगाते हैं, और हम सबको इस समय समय पर खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं और काटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या प्रभु का पुनरागमन के समय को जानकर अपने आप को तैयार करने के लिए हम सक्षम है नहीं? आइए प्रभु कृष्ण के इसी वचनों से अपने आप को सचेत करें, उन्हीं के पुनरागमन के तैयारी में अपने आप को प्रभु के दाएं भाग में उपस्थित होने वाला व्यक्ति बनाकर रखें। इस समस्या कहते हैं, आकाश के एक चोर से दूसरे चोर तक सब चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। आइए हम भी अपने जीवन में इस समस्या का चुने हुए व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सब यीशु।